अभी हाल ही में चारू असोपा और राजीव सेन ने अपने बीच चल रहे प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया और होली के मौके पर एक दूसरे के साथ फोटो शेयर कर अपने बीच चल रहे मन मुटाव पर विराम लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ राजीव सेन की बहन यानी कि बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने भी अपने और अपने बॉयफ्रेंड के बीच चल रहे ब्रेकअप की खबरों को पैचअप में बदल दिया है। जी हाँ, हाल ही में अपने एक्स बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल के साथ सुष्मिता सेन डिनर डेट पर नजर आईं। सुष्मिता सेन और रोहमन शॉल डिनर करके बाहर निकल ही रहे थे कि मीडिया वालों ने उन्हें कैमरे में कैद कर लिया। सुष्मिता सेन डिनर पर अपनी छोटी बेटी के साथ पहुंची थी। कैमरे को देखकर सुष्मिता सेन थोड़ी चौंक गईं और हंसने लगी। सुष्मिता सेन और रोहमन ने कुछ वक्त पहले ही अलग होने का फैसला किया था, जिसकी वजह से फैंस थोड़े हैरान और परेशान थे। फैंस सोच रहे हैं कि क्या ये दोनों एक बार फिर से साथ आ गए हैं। अब इस सवाल का जवाब तो सुष्मिता सेन भी दे सकती हैं, लेकिन हम आपको इन दोनों की वायरल हो रही तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं। सुष्मिता सेन अपनी बेटी को लेकर रोहमन शॉल के साथ मिलने गई थी और रोहमन और सुष्मिता सेन की बेटियां काफी करीब भी हैं। सुष्मिता सेन और रोहमन शॉल कैजुअल कपड़ों में ही डिनर डेट के लिए पहुंचे थे। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था इन दोनों ने अचानक से डेट का प्लान किया था। सुष्मिता सेन जैसे ही डिनर करके रेस्टोरेंट से बाहर आई, वैसे ही मीडिया के कैमरों ने उन्हें घेर लिया। मीडिया को बाहर देखकर सुष्मिता के चेहरे पर हंसी आ गई। सुष्मिता और रोहमन का कुछ वक्त पहले ही ब्रेकअप हुआ था। ब्रेकअप के बाद ये दोनों पिछली रात ही पहली बार साथ में नजर आए। फैंस इन दोनों को साथ में देखकर काफी खुश हैं। सुष्मिता को पिछली रात ही रोहमन के साथ देखकर फैंस ये पूछ रहे हैं कि क्या ये दोनों दोबारा एक हो गए हैं। कैमरे के सामने ये दोनों जैसे ही हंसते हुए नजर आए, उसके बाद तो फैंस को यही लग रहा है। वेल, क्या कहना है आपका इस पूरी रिपोर्ट पर, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।